आप सभी का स्वागत है द टेरेस किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही एक बहुत ही टेस्टी सब्जी और साथ में मील प्रेप आइडिया, जिसे फॉलो करके आप अपने रोज के खाने को भी फटाफट बना सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मसाले का पेस्ट, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं प्याज और टमाटर। तो ये जो हम मील प्रेप कर रहे हैं, इससे जो भी मसाला बनेगा, इसे एक एयर टाइट डब्बे में डालकर आप अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और आराम से एक हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसे बना सकते हैं। तो प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में मैं कट कर रही हूँ और साथ में टमाटर को भी। तो बहुत ज़्यादा हमें इन्हें बारीक चॉप नहीं करना है, क्योंकि मिक्सी में ही जाने वाले हैं। बिजी स्केड्यूल में जब ऑफिस जाना हो, बहुत सारी चीज़ें घर पे संभालनी हो, बच्चे को मैनेज करना हो, तो ये मील प्रेप आइडियाज़ बहुत काम आते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में भी और मैं आपके साथ आइडियाज शेयर करूँगी। तो यहाँ पर है मेरे पास लगभग आधे टीस्पून साइज़ का अदरक और 8 से 9 लहसुन की कलियाँ, साथ में कट किया हुआ टमाटर और प्याज। तो एकदम बेसिक ग्रेवी बना रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ डालेंगे जिससे मसाले में ना बहुत बढ़िया एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो थोड़ा सा पानी डालकर आप इसे पीस लें। हमें चाहिए एकदम बारीक स्मूथ पेस्ट, तो पानी एकदम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का सा पानी डालें और ऐसा एक स्मूथ पेस्ट बना लें। अब गैस पर रखें कढ़ाई। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून तेल यूज़ कर रही हूँ अंदाजे से। तेल गर्म हो जाने पर इसमें जाएगा जीरा, तो आधा टीस्पून जीरा मैंने यूज़ किया है। पहले मैं थोड़ा सा मसाला पेस्ट डालती हूँ। आई नो ये थोड़ा सा उड़ता है, लेकिन जो सूखे मसाले हैं इसमें अच्छे से भुन जाते हैं। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया। तो हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया भूनने के लिए काफ़ी अच्छी ट्रिक है कि एक साथ पूरा मसाला पेस्ट ना डालें, थोड़ा सा डालें ताकि जो मसाले हैं वो जले भी ना और अच्छे से तेल में भुन जाएं। अब मैं बाकी का बचा हुआ पेस्ट डाल रही हूँ। मिक्सर के बर्तन में कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा पानी डालें और सारा मसाला जो है, यानी अंदर का जो पेस्ट है, वो निकाल लें और कढ़ाई में डालें। इस समय आप गैस को धीमी रखें या फिर धीमी से मीडियम रख सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालें, ऐसा करने से मसाला जल्दी पक जाएगा। इसे मिक्स करें और ढककर पकाएं। तो बीच बीच में इसे चलाते रहें ताकि ये बेस पर चिपके ना। कढ़ाई या बर्तन मोटा होगा तो ये जल्दी चिपकेगा भी नहीं। तो तेल छूटने तक मसाले को पकाना है। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा किचन किंग मसाला और गरम मसाला। आप चाहें तो केवल गरम मसाला भी डाल सकते हैं या फिर खड़े मसाले भी। अच्छे से मिक्स कर लें और लास्ट में डालें ये चीज़। तो ये है काजू की पाउडर। एक बार मैंने एक टिप में भी बताया था कि काजू की पाउडर बनाकर अपने फ्रिज में रखें, कभी भी ये बाइंडिंग के लिए कबाब में, टिक्का में, बहुत सारी चीज़ों में काम में आती है। आप इसे या तो पानी में मिलाकर डालें या फिर मसाले में एक तरफ डालकर सारी गुठलियाँ तोड़ लें और अच्छे से मिक्स करें। बस 1 मिनट और पकाएं, आपका ये मसाला रेडी हो जाएगा और बिल्कुल भी ऐसे पानी अलग हो रहा है ऐसे टाइप का नहीं बनेगा। तो बस ये मसाला हमारा रेडी है। तो इस तरह से मसाला बना के आप एक एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं। मसाला पूरी तरह से ठंडा होने दें फ्रिज में रखने से पहले। ये मसाला नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के सेक्शन में आराम से एक हफ्ते तक चल जाएगा, क्योंकि हमने इसे अच्छे से पकाया है। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के अलग अलग सब्जियों के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको वीक भर की प्रिपरेशन ना करनी हो तो एक दिन पहले भी आप ये मसाला बना के अगले दिन की सब्जी के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अब मील प्रेप का मसाला तो बन गया। जब भी आप सब्जी बना रहे हैं तब आप जो सब्जी ले रहे हैं वो ले, जैसे कि मैं बैंगन बना रही हूँ। बैंगन के साथ भी ये मसाला बहुत बढ़िया लगता है। छोटे साइज के मैंने बैंगन लिए हैं, तो हल्के से कांटे निकाल कर ये जो ऊपर का हिस्सा है ये मैं निकाल रही हूँ। अब मील प्रेप का आइडिया मैंने आपको दिखाया है, लेकिन मैं आपको इमीडिएटली सब्जी बनाकर दिखा रही हूँ। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, आप एक हफ्ते तक मसाला स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे बैंगन में चीरा लगाएं और ध्यान से चेक करें कि कोई कीड़ा है या नहीं। घर का बना खाना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हम सारी चीज़ें अच्छे से धोते हैं, अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, और बैंगन जैसी चीज़ों में, गोभी जैसी चीज़ों में हम चेक करते हैं कि कीड़ा है या नहीं। बैंगन को इमीडिएटली आप पानी में डालते रहे, वरना ये काले पड़ सकते हैं। तो सारे के सारे बैंगन मैं यहाँ पर चीरा लगाकर अच्छे से धो रही हूँ। तो 1 से 2 बार आप बैंगन को धो लें। नेक्स्ट मैं गरम कर रही हूँ कढ़ाई और एकदम थोड़ा सा तेल। तेल क्योंकि ऑलरेडी मसाले में है, तो बैंगन को हल्का सा फ्राई करने के लिए मैंने एकदम कम तेल यूज़ किया है। तो बैंगन को आप एक कॉटन के कपड़े पर रखें और पूरी तरह से इसका पानी निकाल लें। ऐसा करने से इन्हें तेल में डालने के बाद तेल ज़्यादा उड़ेगा नहीं। तेल गर्म हो जाने पर उसमें डालें बैंगन और साथ में आप थोड़ा सा नमक भी छिड़क दें। ऐसा करने से जो बैंगन है वो अंदर तक फ्लेवरफुल हो जाएंगे और उनमें नमक का स्वाद आ जाएगा।
बैंगन को पूरा पकने तक हमें नहीं फ्राई करना है, तो मीडियम या मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप इन्हें फ्राई करें। कहीं कहीं पर इन पर चटके लग जाएंगे और कहीं पे ये हार्ड, कहीं पे ये नरम, इस तरह के हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो बस ये बैंगन फ्राई हो गए हैं, इन्हें मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। और अब बारी है मील प्रेप वाले मसाले को यूज़ करने की। तो मैंने बैंगन के हिसाब से ही मसाला बनाया है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, तो मैं पूरा का पूरा यूज़ करूँगी। सेम कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ मसाला पेस्ट। तो अब इस मसाले पेस्ट में आप जैसी कंसिस्टेंसी चाहें उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम पतली ग्रेवी भी नहीं रखूँगी और एकदम ड्राई भी नहीं, कहीं पर बीच में। तो पहले अच्छे से मिला लें और फिर पानी डालें। पानी आप अलग से गर्म करके भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रहे हैं, कम पानी है तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अच्छे से बैंगन और मसाले को मिक्स करें और इसके बाद धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि बैंगन पूरी तरह से गल ना जाए। बीच बीच में चलाते रहें। बैंगन ऑलमोस्ट पक गए हैं, थोड़ी सी कसर बाकी है, तो मैं ढककर इन्हें और थोड़ी देर पकाऊंगी। अब चेक कर लेते हैं, तो ग्रेवी तो बिल्कुल बढ़िया दिख रही है, बैंगन भी अच्छे से पक गए हैं। तो बस ये बैंगन की सब्जी रेडी है। इस तरह से आप इसी ग्रेवी को यूज़ करके पनीर बना सकते हैं, चिकन भी बना सकते हैं, आलू मटर बना सकते हैं। मैं एक बैंगन आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से पक गया है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। आई होप आपको ये रेसिपी और मील प्रेप पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।